नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं जो सचिव की भर्ती निकलने वाली है उसमें नियम और चेंज कर दिए हैं, तो उसी के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता था कि कुछ दिनों पहले सचिव की भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, इसके आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ज्वाइनिंग किस आधार पर होगी, तो वो जानकारी आपको देने वाले हैं, तो विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी भाई बहनों को इसके बारे में पता चल सके। व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, संशोधन का प्रारूप जो है वो सचिव की भर्ती प्रक्रिया पहले क्या रहती थी कि पूर्णतः ऑफलाइन रहती थी, सभी काम उसमें ऑफलाइन होते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें अब टोटल रिक्तियों की पदों की पूर्ति टोटल रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी, जो कि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर के माध्यम से ऑनलाइन होगी। तो पोर्टल भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा पंचायत दर्पण ऐप या तो ये जो पोर्टल है इस पर ही आपके सचिव की भर्ती के आवेदन आएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस पर। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी सहित विहित प्रारूप में जिलेवार विज्ञापन पीडीएफ फॉर्मेट में पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसी पोर्टल पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से गाँव में पद खाली है। संबंधित जिला स्थानीय समाचार पत्रों में विहित रूप में एक विज्ञापन माध्यम से इस आशय की संक्षिप्त सूचना जारी की जाएगी। आपके जो न्यूज है, ठीक है, समाचार पत्र है, उसमें भी आपको जो है वो विज्ञापन दिखाई देगा। आवेदन केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है, विभाग के जो पंचायत दर्पण पोर्टल है उस पर ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक करने वाले आवेदक को उसी जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। मान लीजिए मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं, ठीक है, अभी तो 55 हो चुके, पर अभी फिलहाल में 52 जिले हैं। तो 52 जिले, जैसे कि हम हरदा की बात कर लेते हैं, हरदा जिले की, तो हरदा जिले में दोस्तों हम हरदा जिले की बात करें तो उसमें हमें अगर हम आवेदन कर रहे हैं तो हमें हरदा जिले का पूर्ण स्थायी निवासी होना चाहिए, उसी जिले का हमारे पास जो है वो वोटर कार्ड निर्वाचन कार्ड जो होता है वो बना होना चाहिए, हम दूसरे जिले में आवेदन नहीं कर सकते। हरदा जिले के अलावा अगर हम धार में, इंदौर में, झाबुआ में, अलीराजपुर में, इसमें आवेदन नहीं कर सकते, हम केवल हरदा जिले में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक बात वो अलग हो गई कि हम हरदा जिले में रहते हैं पर हमारा वोटर कार्ड झाबुआ जिले का या इंदौर जिले का है तो हम उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। वोटर कार्ड जिस जिले का बना होगा उसी जिले में आवेदन कर सकते हैं। तो आपकी भी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, वो अलग अलग जाति के हिसाब से होगी, जैसे ओबीसी के अलग होगी, एसटीएससी के अलग होगी, ठीक है, वो सभी अलग अलग वर्ग के हिसाब से आपकी मेरिट सूची तैयार होगी, ठीक है। दो व्यक्ति के अगर सेम नंबर आते हैं तो सबसे पहले अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, और अगर आप रोजगार सहायक हैं तो आपको 50% पद रोजगार सहायक के लिए आरक्षित किए गए हैं। और इसमें आपको बता दूं कि आपके 10वीं 12वीं के परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगी, 10वीं और 12वीं के दोनों परसेंटेज मिलाकर ही आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो जैसे ही इसके आवेदन ऑनलाइन चालू होते हैं हम आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे कि आवेदन किस प्रकार से करना है, लाइव आवेदन करके बताएंगे क्योंकि हम भी आवेदन इसमें करने वाले हैं। तो जैसे ही इसमें आवेदन चालू होते हैं हम आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप सभी को भी जानकारी लग जाए। और अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है कि जिसमें कैसे चेक करें कि किस पंचायत में सचिव का पद खाली है, तो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवा के रखा है, वो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। रोजगार सहायक से संबंधित या सहायक सचिव से संबंधित या फिर सचिव से संबंधित कोई हमारे पास अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।